शेम ऑन यू इंडियन आइडल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इंडियन आइडल की पूरी टीम ने कैसे बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और कैसे इंडियन फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की इस दिग्गज हस्ती का किया इंसल्ट, वो भी सिर्फ अपनी टीआरपी और इंटरनेट सोशल मीडिया सेंसेशन को प्रमोट करने के चक्कर में। दोस्तों, पंचमदा यानी कि आरडी बर्मन साहब के डाई हार्ड फैन और पंचम तंत्र चैनल के श्री माधव सर ने जो कहा है उस मुद्दे और बातों से हम सहमत है और हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। उससे पहले, अगर आप फिल्म, संगीत और कला जगत की खबरें और इंटरेस्टिंग किस्से सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे का वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। हाय, वेलकम टू पंचम तंत्र। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि इसमें पंचमदा के किस्से के साथ एक दर्द है पंचम फैन का, यानी मेरा। एक गुस्सा है इंडियन आइडल्स के मेकर्स की तरफ जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के फिगर्स दिखते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे वक्त की जब सीएमए यानी सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन के मेंबर म्यूजिशियंस स्ट्राइक पर थे। उन दिनों पूरा जो रिकॉर्डिंग था गाने का, ये एक साथ हुआ करता था। सिंगर्स म्यूजिशियंस एक साथ रिकॉर्डिंग किया करने के, आज की तरह टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो म्यूजिशियंस गोइंग ऑन स्ट्राइक एसेंशियली मेंट के गाने रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, और जब गाने रिकॉर्ड नहीं हो रहे उसका मतलब था कि गाने शूट नहीं हो रहे, और जब गाने शूट नहीं हो रहे उसका मतलब था पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई थी, कोई काम नहीं हो रहा था। उस वक्त शक्ति समंता, इनके पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि उनके पास गाना बाद में शूट करने के लिए उनके जो लीड एक्टर्स थे राजेश खन्ना और जिन्नत अमान, इनके अगले डेट्स नहीं थे। तब उन्होंने पंचमदा को अपनी उलझन बताई और पंचमदा ने ये उलझन सुलझाने के लिए पंचमदा टर्न टूवर्ड थ्री और फोर म्यूजिशियंस ऑफ एज जो उस वक्त सीएमए के मेंबर्स नहीं थे। उनमें से एक थे रंजीत गजमेर, जिन्हें हम कांचा भाई के नाम से जानते हैं, और उस दिन उस सीएमए के स्ट्राइक के वक्त वो गाने के रिदम सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा नेपही माजल है जिसने अमर प्रेम के वक्त चिंगारी कोई भड़के का रिदम दिया था। ये कांचा भाई का खुद का अपना माजल जिन्होंने हमेशा पंचमदा के साउंड के नाम से अपनी शो। रंजीत गजमेर को कांचा ये नाम खुद पंचमदा ने दिया था, और कांचा भाई ने पंचमदा का साथ सिर्फ उनके जीते जी नहीं बल्कि उनके मरने के बाद भी बखूबी निभाया। तो पंचमदा ने बोला, कांचा कल तू और मैं जाएंगे मार्किंग के लिए, तू और मैं जाएंगे। फोन आया, पड़ता है फोन, तो फोन उठा के मैं सुना तो भरत जी हूँ, दादा नहीं रहे, दादा चले गए। बोले क्या? हाँ दादा अभी गुजर गए। उसके बाद एक डेढ़ महीने के बाद उसके बाद बैकग्राउंड किया, वो बैकग्राउंड मनुरदा बबलुदा मैं, हम लोग तीनों थे, हम लोग मिल के थे। पंचमदा नहीं? जी हाँ, 1942 का बैकग्राउंड स्कोर पंचमदा के गुजर जाने के बाद उनके टीम ने किया था, और वो भी उसी ताकत से जो पंचमदा की पहचान थी। और ये टीम ने जो बैकग्राउंड स्कोर किया था उसके अंदर कांचा भाई का एक बहुत बड़ा हाथ था। पंचमदा के गुजर जाने के बाद उनके कई सारे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स कांचा भाई के वजह से पूरे हुए थे। उन्होंने ही कंप्लीटेड द इनकम्प्लीट वर्क्स ऑफ आर डी बर्मन। That was his true tribute to Panchamda. 3:34 o'clock in the morning, Bharat Asher ka mujhe phone aaya, and we told ki aise se hua hai, and we were supposed to go for the recording, and was sitting jo thi, instead of that he attended his funeral at that point of time.
लकी फॉर अस कि कांचा भाई जो थे रंजीत गजमेर, ही वॉज ही एंड आशा भाई दे सपोर्टेड द फिल्म एंड अस इन सच अ बिग वे दैट अदरवाइज इट वुड नॉट हैपन, द फिल्म वुड हैव गॉट स्टॉप्ड, इट वुड नॉट हैव हैपन्ड. तो कांचा भाई और आशा भाई ने मिलकर वो गाने जो थे वो कंपोज किए, वो सब डिजाइनिंग किया एवरीथिंग. कांचा भाई हेल्प्ड अस गो थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ द म्यूजिक क्रिएशन और सुखी संसारची बारा सुखी. एंड इफ नॉट फॉर कांचा भाई एंड आशा भाई द फिल्म वुड नॉट हैव हैपेंड. रंजीत गाजमेर यानी हमारे कांचा भाई नेपाल के एक बहुत बड़े संगीतकार है. सन 2019 में INAS ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था बतौर संगीतकार. सेलिब्रेटिंग आर डी बर्मन एपिसोड जो अभी हाल ही में सैटरडे को 11 मार्च को दिखाया गया, इंडियन आइडल के टीम ने इस एपिसोड में कांचा भाई को इनवाइट किया था और हम सब पंचम फैंस बड़े बेसब्री से उस एपिसोड की राह दिख रहे थे. पर जब वो एपिसोड दिखाया गया तब कांचा भाई का पूरा हिस्सा उस एपिसोड से कंप्लीटली एडिट आउट कर दिया था. एक गाने में लॉन्ग शॉट में कहीं कोने में बैठे कांचा भाई अपना मादल बजाते हुए दिखे गए. ना उनका नाम, ना उनका इंट्रोडक्शन, ना उनकी बातें, ना उनकी यादें, कुछ नहीं. और वो थे रंजीत गाजमेर, कांचा भाई, पंचमदा के नवरत्नों में से एक, पंचमदा के प्रेशियस म्यूजिशियंस में से एक, उनके सिटिंग रूम के आखिरी सर्वाइविंग मेंबर. शर्म करो इंडियन आइडल्स वालों, तुम लोगों ने अपने इस एपिसोड में इंटरनेट वायरल सेंसेशंस को बुलाकर उन्हें इतना स्क्रीन टाइम दिया और उस शख्स को इस स्क्रीन से बिल्कुल अलग रखा जो शायद पंचमदा की आखिरी निशानियों में से एक है. आपने ये अन्याय सिर्फ कांचा भाई नहीं बल्कि उन तमाम दर्शकों पर भी किया जो आर डी बर्मन के नाम पर ये शो देखने के लिए अपने टीवी सेट के सामने बैठे थे. शर्म करो. मैंने आज तक पंचम तंत्र इस चैनल से कुछ नहीं कमाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार कमाया. पर आज मैं आप लोगों से एक दरखास्त करता हूँ, एक चीज मांग रहा हूँ, इस वीडियो को वायरल कर दीजिए क्योंकि इंडियन आइडल्स के टीआरपी पागल लोगों को सिर्फ वायरल वीडियो समझ में आते हैं. इस वीडियो को इतना वायरल कर दो कि उन इंडियन आइडल्स के लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि उन्होंने जो शर्मनाक हरकत की है उससे सिर्फ उन्होंने कांचा भाई का नहीं बल्कि खुद पंचमदा का बहुत बड़ा इंसल्ट कर दिया है. शेम ऑन यू इंडियन आइडल. अगली बार पंचमदा के नाम पर झूठ मूठ रोने का यह ड्रामा बंद कर दो, इससे आपके फीलिंग्स नहीं आपकी बेशर्मी दिखती है. शेम ऑन यू.